find for the each of the following and the amount to which the 100 rupees is accumulated. तो बच्चे हमने कितने पैसे इन्वेस्ट करा 100 रुपीस. प्रिंसिपल क्या है मेरे पास में यहां पर 100 रुपीस है. एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 10 ईयर. टी हमारे पास में क्या होता है 10 ईयर. ठीक है बच्चे. और कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली मींस क्या होता है हर 3 मंथ में दिस वन. तो यहां पर आप इसके सबसे पहले एम कैलकुलेट करेंगे. एम कैसे निकालते हैं 12/3, 4 आ गया. एंड इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे आप अमाउंट का एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1+ i अपॉन m दिस टू पावर m इंटू टी बोल दो आप. ठीक है. एंड सॉल्व करेंगे एस इक्वल्स टू प्रिंसिपल आपका क्या है 100 रुपीज़ 1+ i क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास में. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है. 12% मीन्स 0.12 क्लियर है. एंड डिवाइडेड बाय 4 एंड रेस टू पावर आपके पास में m क्या है 4 × टाइम क्या आपके पास में 10 साल. सॉल्व करेंगे आप s इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट 1+ 0. आप (0.03)⁴0 ठीक है बच्चे. अब आपके ऊपर आप कैसे निकालना चाहते हैं s इक्वल्स टू क्या है आपके पास में 100 ब्रैकेट 1.03⁴0. चल मैं आगे. आपको कोई डाउट आप टेकिंग लॉग बोथ साइड आप कर सकते हो, नहीं तो आप कैलकुलेटर का यूज करो भैया. और आपने मैं पहले करके दोनों दिखा देता हूं आपको. s इक्वल्स टू 100 s इक्वल्स टू 100 इंटू 1.03 इंटू 40 है तो यहाँ पे 41 लिखा हुआ आना चाहिए. अब इक्वल दबाते रहो, आप इक्वल प्रेस करते रहो तो कैलकुलेटर को साथ साथ यूज़ करना सीख लोगे. तो जब आप पे टाइम कम रहेगा तो आप क्वेश्चन को एटलीस्ट अच्छे से करेक्ट आंसर तक पहुँचा सकते हो. तो आपके पास में क्या है 3.2620 मल्टीप्लाई बाय 100. तो कितना है आपके पास में s इक्वल्स टू 326.20 अमाउंट आ गया. बट अगर आप यही चीज़ें लॉग टेबल से करते तो पता नहीं कैसे करते आप. सेम क्वेश्चन अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप लॉग टेबल से करते तो क्या करते आप s इक्वल्स टू 100 1.03⁴0 टेकिंग बोथ साइड लॉग taking both side log तो log s equals to log किसके 100 और into 1.03⁴0 and log s equals to log 100 plus आपका आ जाता ना log 1.03⁴0 एंड log s इक्वल्स टू log 100 की वैल्यू आप निकालते तो 10 पे 0 क्या होगा आपका 1. ठीक है बच्चे. 10 पे 0 मीन्स 0 होता है 2 होगा सॉरी 2. कैसे पता लगा आपको log 100 की वैल्यू निकाल रहे हो तो आप क्या निकालोगे 10 पे 0 तो 10 पे 0 क्या आ गया 0 आएगा. ठीक है ये तो पता है आपको. और पॉइंट लगाओगे कितने डिजिट्स हैं 3 उसमें से 1 माइनस करोगे 2 तो पॉइंट लगा के नीचे वो आता है ना 2. तो आप ध्यान रखना हमेशा log 10 log 100 log 1000 log 10000 जीरो वाले केसेस पे 1 0 1 2 0 2 3 0 3 4 0 4 इसका रिजल्ट रहेगा. सिंपल जितने जीरो उतना इसका रिजल्ट रहता है. ठीक है
तो लॉग 202 प्लस 40 लॉग, यहाँ तो कोई आपके लिए हेडेक नहीं है, यहाँ तो इजी है वैल्यू लेना आपके लिए, एंड लॉग एस इक्वल्स टू 2 प्लस 40 इन टू, लॉग 10 पे 3 देखना है आपको, चलो 10 पे 3, 10 पे 3, 0, 120, पॉइंट, कितने डिजिट है पॉइंट से पहले देखो, एक डिजिट है माइनस 1, 0, तो 0 आएगा, ठीक है बच्चे। अब सॉल्व करते हैं आप, लॉग एस इक्वल्स टू 2 प्लस, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, 40 इंटू पॉइंट 0, 120, 0.48, ठीक है, एंड लॉग एस इक्वल्स टू 2.48, क्लियर है बच्चे। अब आप देखो कम से कम तीन आपको पता है, अब यहाँ पे एस इक्वल्स टू क्या लोगे, एंटी लॉग इक्वल्स टू 2.48, पर आपको पता है कि मेंटिसा का लॉग लेते हैं, मेंटिसा एटलीस्ट कितने डिजिट का होना चाहिए, एटलीस्ट 3 डिजिट का होना चाहिए, तो आप 0 ले सकते हो, ठीक है ना, डेसिमल के बाद, तो 480 का आप वैल्यू लोगे इसका, दिस वन, तो 48 पे 0 देखना है आपको लॉग टेबल में, तो लॉग टेबल में आपको देखना है 48 पे 0, तो क्या आया आपका 6812, और 2 एन एस के आगे प्लस 1 कर दो तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 123, क्लियर है, तो ये 681.2 आ गया आपका यहाँ पे, तो सभी आना चाहिए था 48 पे 0। अच्छा मैंने लॉग टेबल में देख लिया था बच्चे, सॉरी जी, एंटी लॉग 48 पे 0, 30, 20, 2 है तो प्लस, एंटी में प्लस 1 कर देते हैं, और कितने डिजिट का पॉइंट लगेगा, और लॉग में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करके माइनस 1 करते हैं, इसमें जो भी फिगर आ रहा है उसमें प्लस 1 करके 3, तो दिस वन, तो 302 या 326, थोड़ा बहुत फर्क इस पर आ ही गया आखिर इसमें भी, बड़ा ही चेक कर लेते हैं कि आपकी जी के ठकराल में क्या आंसर फॉलो कर रहा है, थोड़ा आंसर फर्क तो बच्चे आता ही है। करेक्ट आंसर 326 है बच्चे, 326.20, डायरेक्ट कैलकुलेटर से यूज किया है यहाँ पे वैल्यू, बोथ साइड बच्चे, बोथ साइड में क्या करता हूँ, टेकिंग बोथ साइड लॉग ले लेता हूँ, लॉग इधर भी लॉग इधर भी, अभी तो लॉग एस रह गया, अब क्या होता है हमेशा मैंने आपको सिखाया था प्रैक्टिस जो बेसिक बताया था, लॉग ए इंटू बी को हम कैसे लिखते हैं, ऑलवेज लॉग ए प्लस लॉग बी करके लिखते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे लॉग है इसमें ले लिया लॉग, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, तो क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग और ये बी, आपको पता है कभी पावर होता था वो नीचे उतर के आ जाता है, तो नीचे उतर के आ गया, ये लॉग वैल्यू देखना सिखाया था उसको सीख लो, और यहाँ पे लॉग 1.03 की वैल्यू आप ले लो, 10 पे 3 देख लो, तो लॉग की वैल्यू 10 पे 3 अगर आप देखते हैं तो 120, ठीक है 0.0120, अब इंटू 40 कर दिया आपने इसको, और प्लस आपने क्या कर दिया 2 कर दिया, तो ये आपके पास में क्या आ गया लॉग एस, एंड आपने यहाँ पे एंटी लॉग वैल्यू ले ली, बट 302, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है 326, 20 24 का फर्क आ रहा है, ज़्यादा फर्क है, देख लेते हैं इसको भी, फिलहाल आपके पास में ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे, देन आपके पास में ये तो लॉग 100 की वैल्यू क्या आ गई 2, एंड ये तो 40 नीचे आ गया था, और आपके पास में लॉग 1.03 की वैल्यू क्या है आपके पास में, सॉल्व करोगे आप तो आपके पास में दिस वन 40 इंटू लॉग की वैल्यू, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया था आपने अपने 0.0120 मल्टीप्लाई बाय 40 0.48 प्लस 2.48, और 3 डिजिट का हमने पॉइंट ले लिया था,
48 पे 0 एंटी लॉग। तीन सौ बीस ठीक है बच्चे। चलो सेकंड क्वेश्चन अब आप ट्राई करो। ट्राई करें जरा इस क्वेश्चन को। देखो फाइंड फॉर द एज ऑफ द फॉलोइंग द अमाउंट ऑफ द 100 रुपीज विल एक्यूमुलेटेड एट द फोर्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंटिन्यूसली रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। इसमें एस इक्वल्स टू ई रेस टू पावर आपके पास में आई इन आई टी होता है, ठीक है, आर टी बोल दो आप। तो एस इक्वल्स टू ई रेस टू पावर 0.03 और टी 3.5 ईयर्स एंड एस इक्वल्स टू ई रेस टू पावर सॉल्व करते हैं 0.03 मल्टीप्लाई बाय 3.5 तो ई रेस टू पावर 0.105। टेकिंग बोथ साइड लॉग लॉग एस इक्वल्स टू लॉग, अच्छा प्रिंसिपल ही लेना ना हमें, तो भी प्रिंसिपल भी है यहाँ पे। खैर आप इसकी वैल्यू पहले निकाल लो, है ना, बाद में आप 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये भी सही है कि भाई 100 से मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, तो पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आप बाद में 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं ले लो 100, ठीक है। प्रिंसिपल होता ना दिस पर पी ई रेस टू पावर आई टी, ठीक है। अब टेकिंग लॉग ये हो जाएगा लॉग 100 ई रेस टू पावर 0.105 एंड लॉग एस इक्वल्स टू लॉग 100 प्लस लॉग ई रेस टू पावर 0.105 एंड लॉग एस इक्वल्स टू 2 प्लस एंड 0.105 नीचे लॉग ई 0.43 एंड 43 लॉग ई की वैल्यू होती है, ध्यान रखना, याद कर लेना है, लॉग ई की वैल्यू 0.43 होती है। नीचे आ गया दिस वन एंड लॉग एस इक्वल्स टू 2 प्लस 0.105 इंटू 0.4343 तो आपके पास में क्या आया बच्चे 0.04560 एंड प्लस 2 तो आपके पास में आया लॉग एस इक्वल्स टू 2.04 56, चार डिजिट ले लो ना बस आप, तो बस आप अपने मेंटीसा का आप पे फोकस करना है क्योंकि आप एस इक्वल्स टू क्या जा रहे हो आप एंटी लॉग की तरफ 2.04 56, तो मेंटीसा पे फोकस करना 04 पे 5 एंटी लॉग 04 पे 5 एंटी लॉग में 04 पे 0 1 2 3 4 5 1109 एंड 04 पे 5 अब 6 पे जाना है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया मेरे पास में, क्या आया इसकी वैल्यू 1111। अब देखो इसके आगे क्या है, 2 है ना, तो प्लस 1 कर दिया तो क्या आ गया 3, तो 3 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आया 111 अप्रोक्स, इसका आंसर 111 आया है। पॉइंट वन, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल ही सही है,
सुनाए हैं बच्चे, क्लियर है? तो अब आपके पास में क्या हो गया, आप कंटिन्यूस में भी आप जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपके पास में क्या है, फाइंड फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग द अमाउंट टू विच द 100 रुपीज विल एक्यूमुलेटेड एट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम फॉर 10 ईयर्स, 4% पर एनम फॉर द 4 ईयर्स एंड 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+0.03 फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद आपका 1+0.04 फॉर 4 ईयर्स एंड ब्रैकेट चलता रहेगा आपका 1+, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर होता जा रहा है, करते जाना, 0.5% 0.05 फॉर 2 ईयर्स। अब आप कर सकते हो ना इसको, एस इक्वल्स टू 100, 1.03, 10, 1.04, 4, 1.052। बस सॉल्व कर लेना है, ये कैलकुलेटर से वैल्यू निकालना सिखाया था ना आपको मैंने, अब डायरेक्ट भी जा सकते हैं। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेटर कहाँ गया, एस इक्वल्स टू 100, 1.03, 10 है ना तो पावर 11 तक, 1.3439 दिस वन इंटू, सिखाया था आपको 1.04 इंटू, प्रेस इक्वल प्रेस करना है 5 टाइम्स तक, यहाँ पे क्यू 4 है, 4 टाइम्स प्रेस करना है, बट यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ जाएगा, 1.1698, 1.05 इंटू इक्वल्स टू 1.05 इंटू इक्वल्स टू 1.1025, ठीक है बच्चे, सॉल्व करते हैं, एस इक्वल्स टू 1.1025 इंटू 1.1698 इंटू 1.3434 इक्वल्स टू इंटू 100, तो 173.25 दिस वन करेक्ट आंसर, क्लियर है बच्चे? तो आपको डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम अपने कक्षा को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। यहाँ से कैलकुलेशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, कैलकुलेशन सीख जाओगे आप, क्या करना है आपको बेसिकली कंपाउंडिंग में, एक क्वेश्चन पक्का आना है यहाँ से।